संविधान है उसको बचाने की लड़ाई में हमारे खून का कतरा कतरा बहेगा, लेकिन संविधान की हत्या नहीं होने देंगे। आज उन्होंने देश के मुसलमानों के साथ भेदभाव कर रहे हैं, जिनके पड़ोस में देश के कोने कोने में दलित बिरादरियां रहती है, कल वो हमारे साथ भी भेदभाव कर रहे थे, आज भी करते हैं। हमको ये समझना है ये सरकार की भेदभाव वाली नीतियों के खिलाफ जंग है। कोई इस लड़ाई में शामिल हो ना हो, बाबा साहब का जो संविधान है उसको बचाने की लड़ाई में हमारे खून का कतरा कतरा बहेगा, लेकिन संविधान की हत्या नहीं होने देंगे। साथियों साथियों एक बात और समझनी है, आरक्षण कोई करीबी हटाओ कार्यक्रम नहीं है। आरक्षण इस देश में उन समाजों को संसद से लेके सरकारी मशीनरी में हिस्सेदारी देने का कार्यक्रम है, जिनको मनुवादियों ने हजारों साल से सरकार और राज सत्ता से बाहर रखा है। और इसलिए हमको ये समझना है ये आरक्षण की आड़ में दलितों के हितों के खिलाफ, पिछड़ी जातियों के हितों के खिलाफ, माइनॉरिटी के हितों के खिलाफ गिनती की तीन जातियों का हमला है, ये हमें समझना है। साथियों एक समय में कहा जाता था और नारा था तिलक तराजू और तलवार, वो नारा अब गायब हो गया और ये तीनों लोग इकट्ठा होकर तिलक तराजू और तलवार करते संविधान पे वार, और नहीं होगा ये किसी भी हालत में स्वीकार, ये हमें बताना है साथियों। और अंत में साथियों आपको पता होगा कुछ ही दिन पहले सरकार ने एक फैसला सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि वो क्रीमी लेयर पर फैसला करे। अरे भाई क्रीम तो वहां निकालोगे जहां पर दूध होगा, अरे दलितों को अभी दूध तो दिया नहीं, पिछड़ी जातियों को दूध दिया नहीं, और क्रीम पहले निकाल लो, ये है मनुवाद। इस मनुवाद को समझना है। और साथियों समय की मर्यादा को ध्यान रखते हुए मैं आपको ये निवेदन करना चाहता हूं, आरपी सिंह जी जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम कंधे से कंधा मिला के पूरे देश में जहां भी हमारी ताकत है, मैं नेशनल कन्फेडरेशन और दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये बताना चाहता हूं, ये लड़ाई आरक्षण की नहीं है, ये लड़ाई अंबेडकरवाद को बचाने की लड़ाई है। साथियों वो अंबेडकरवाद जिन्होंने वो अंबेडकरवाद जिसने मनु और मनु के मानने वालों की नींद उड़ा रखी है, हम बताना चाहते हैं। अरे अभी तो अंबेडकरवाद ने काम करना शुरू किया है, अभी तो हम घुटनों के बल चल रहे हैं, और जिस दिन हम दौड़ेंगे हमारे दौड़ने के साथ आपको दौड़ाने का काम भी करेंगे इस देश से। साथियों जय भीम जय भारत। ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।